मूवी की शुरुआत में हमें विल्सन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि प्रोफेशनली एक हिटमैन था, पर बढ़ती उम्र के चलते विल्सन रिटायर होना चाहता है, मगर इस दलदल से बाहर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि पीसफुली रिटायर होने के लिए उसे एक और किलिंग्स करनी होगी और उन्हीं किलिंग्स को करने के लिए वो फुंटेरा नाम के आइलैंड पर आया हुआ है, जिसके बाद विल्सन इंटेल के हिसाब से रेगिस्तान वाली जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसके आखिरी टारगेट का घर मौजूद था, मगर किस्मत ने ओल्ड मैन के लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे क्योंकि उसका टारगेट घर पर होने के बजाय छुट्टियां मनाने गया हुआ था, जो सब देखकर विल्सन काफी अपसेट है क्योंकि उसे अपना काम पूरा करने के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा, तो वो खराब मूड से बाहर जाने लगता है, पर तभी घर के अंदर एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर विल्सन काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियसली वो किसी की नजर में आना नहीं चाहता था, तो वो अपने हैंडलर को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि हमारा टारगेट वैकेशन मनाने गया हुआ है, जिसकी विल्सन को परमिशन दे दी जाती है। तो विल्सन कुछ सोचकर एक बढ़िया से होटल चला जाता है। ऑब्वियसली वो टारगेट के आने से पहले खुद भी वैकेशन मनाना चाहता है, तो वो अपने रूम में जाकर सुट्टा खींचने लगता है, मगर पास्ट किलिंग्स को याद करके विल्सन काफी अपसेट था, जो अगले दिन से अच्छी लाइफ जीने का डिसाइड कर लेता है। ऑब्वियसली वो अपनी बची कुची लाइफ एंजॉय करना चाहता है, मगर पूरे दिन मौज मस्ती करने के बावजूद विल्सन का मूड काफी खराब था, तो वो ड्रिंक्स करने के लिए एक बार चला जाता है, मगर बार ओनर को देखकर विल्सन काफी सरप्राइज था क्योंकि बार ओनर ग्लोरिया असल में वही लड़की है जो विल्सन को टारगेट के घर में मिली थी, जिससे विल्सन को इतना तो समझ आ जाता है कि ग्लोरिया किसी न किसी तरह टारगेट के लिए काम किया करती है। तो वो लेडी के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करने लगता है। सरप्राइजिंगली लेडी उसे देखकर काफी इम्प्रेस थी, तो बंदे को ड्रिंक्स देते हुए आइलैंड का मैप दिखाने लगती है। ऑब्वियसली वो ओल्ड मैन को आइलैंड पे मौजूद सभी टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताना चाहती है, साथ ही वो ओल्ड मैन को एक बीच रिकमेंड करने लगती है जहां पर अमेरिकन स्टार नाम का जहाज मौजूद था। तो ये सब जानकर ओल्ड मैन भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है और फिर जल्दी ओल्ड मैन ड्रिंक्स करके यहाँ से निकल जाता है, मगर रास्ते में खड़ी गाड़ी से उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। सरप्राइजिंगली किसी ने गाड़ी में एक बंदे को बंद कर दिया था, तो ओल्ड मैन उसे आजाद करा देता है, जो बाहर आकर ओल्ड मैन को थैंक्स बोलने लगता है। और फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल्सन ग्लोरिया के दिए हुए मैप को ढंग से स्टडी करने लगता है। ऑब्वियसली वो आइलैंड पर मौजूद टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट करना चाहता है, मगर उसके निकल पाने से पहले ही मैक्स नाम का बच्चा यहाँ आ जाता है, जो ओल्ड मैन को सूट बूट में देखकर काफी कंफ्यूज था कि ग्रैम्स अगर आप वैकेशन मनाना ही चाहते हो तो तुम्हें नॉर्मल शर्ट और निकर खरीद लेने चाहिए क्योंकि इस सूट बूट में तुम टूरिस्ट तो नहीं लगते हो, जिस पर ओल्ड मैन ध्यान दिए बगैर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें समंदर का किनारा दिखाया जाता है जहाँ पर आकर विल्सन के मन को शांति मिलने लगती है, मगर उसे काफी ढूंढने पर भी अमेरिकन स्टार नजर नहीं आता है, जो बात जानकर विल्सन काफी अपसेट था। पर तभी यहाँ पर राइन नाम का लड़का आ जाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन काफी सरप्राइज था क्योंकि ये लड़का राइन भी उसकी तरह एक प्रोफेशनल किलर है। तो वो राइन को गले लगाते हुए सवाल करने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर राइन उसे टॉन्ट करने लगता है कि हमारे एम्प्लॉयर की नजर में तुम कमजोर पड़ चुके हो और इसी वजह से मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा गया है, जो बात जानकर विल्सन काफी अपसेट था। मगर फिर भी वो रायन को लेकर एक रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ ये लोग लंच करते हुए पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं। तो रायन जाने से पहले उसे वॉर्न कर देता है कि तुम्हारा टारगेट कुछ ही दिनों में वापस आने वाला है, तो तुम्हें अपने मिशन के लिए रेडी रहना चाहिए। मगर विल को उसकी दखलंदाजी पसंद नहीं आती है, जिसका विल्सन एक क्लोथिंग स्टोर चला जाता है। ऑब्वियसली वो मैक्स की एडवाइस के हिसाब से शर्ट और निकर खरीदना चाहता है, मगर वो अपने लिए शर्ट खरीद पाता उससे पहले ही ग्लोरिया यहाँ आ जाती है, जो ओल्ड मैन को शर्ट खरीदते हुए देखकर काफी सरप्राइज थी। तो वो ओल्ड मैन को एडवाइस देने लगती है कि तुम पर ये शर्ट सूट नहीं करेगी,
बल्कि तुम तो अपने सूट बूट में ही मस्त लगा करती हो और फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। तो ओल्ड मैन बातों ही बातों में लेडी को बताने लगता है कि मैं आज तुम्हारी एडवाइस के हिसाब से अमेरिकन स्टार देखने गया हुआ था, मगर मुझे तो बीच पर कोई भी जहाज नजर नहीं आया था। जो बात सुनकर लेडी जोर जोर से हंसने लगती है। ऑब्वियसली ओल्ड मैन गलत बीच पर चला गया होगा। तो ओल्ड मैन के सामने डील रखने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ घूमने चलो, मैं तुम्हें आइलैंड के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स दिखा सकती हूँ। जो बात सुनकर ओल्ड मैन काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो लेडी के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद ओल्ड मैन होटल लौट आता है, मगर एक रूम के बाहर मैक्स बैठा हुआ था, जिसे देखकर विल्सन सवाल करने लगता है कि बच्चे तुम रूम के अंदर सोने के बजाय बाहर क्या कर रहे हो। जिस पर मैक्स उसे बताने लगता है कि मेरे फादर बहुत जोर से खर्राटे लिया करते हैं, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। जो बात सुनकर ओल्ड मैन काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो चुपचाप अपने रूम चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओल्ड मैन और ग्लोरिया आज टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने वाले थे। तो ग्लोरिया उसे लेकर बीच चली जाती है, जहां पर एक पुराना सा जहाज मौजूद था, जिस जहाज को देखकर ये लोग काफी इम्प्रेस थे, और इसी जहाज को अमेरिकन स्टार कहा जाता है। तो ओल्ड मैन इस जहाज के बारे में लेडी से सवाल करने लगता है, जिस पर लेडी उसे बताने लगती है कि थाईलैंड की टूरिस्ट कंपनी इस जहाज को फ्लोटिंग होटल में बदलना चाहती थी, मगर रास्ते में आए तूफान के कारण ये जहाज खराब हो गया था और अब ये तैरते तैरते यहाँ पहुंच चुका है। यकीन मानो यूएस नेवी भी इस जहाज को सैल्वेज करना चाहती है, मगर तभी इन्हें जोरदार आवाज आने लगती है। वेल, इनकी आंखों के सामने वो जहाज टेढ़ा पड़ चुका था। ऑब्वियसली अब ये जहाज कुछ ही दिनों में डूबने वाला है। जो सब देखकर ग्लोरिया काफी दुखी थी, क्योंकि वो इस जहाज को पसंद किया करती है। तो ये लोग अपना मूड सही करने के लिए एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ ड्रिंक्स करते हुए ये लोग अपने पास्ट की बातें करने लगते हैं। मगर तभी रायन यहाँ आकर ग्लोरिया से दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, जिसका यहाँ आना ओल्ड मैन को जरा भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसकी नजर में रायन उसे याद दिलाना चाहता है कि तुम्हें लड़कीबाजी छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद ओल्ड मैन लेडी को उसके घर ड्रॉप करने चला जाता है, मगर अब तक लेडी ओल्ड मैन को पसंद करने लगी थी, तो वो ओल्ड मैन को लंच के लिए इन्वाइट करने लगती है। जो बात सुनकर ओल्ड मैन काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो लेडी का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद विल अपने होटल लौट आता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर रायन मौजूद था, जिसे देखकर ओल्ड मैन की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि उसकी नजर में रायन उसे फॉलो किया करता है। जिस पर रायन उसे टॉन्ट करने लगता है कि हमारे एम्प्लॉयर्स को तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है, तो अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो मुझे ये काम पूरा करना होगा। जो बात जानकर ओल्ड मैन काफी अपसेट था। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां पर अब विल्सन और मैक्स के बीच दोस्ती हो चुकी थी, तो वो अपना ज्यादातर टाइम मैक्स के साथ बिताने लगता है। ऑब्वियसली वो बच्चे के साथ घुल मिल कर अपने पास्ट को भुलाना चाहता है, मगर ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। जिसका विल्सन ग्लोरिया के घर चला जाता है, जहां ग्लोरिया के बजाय उसकी मॉम मौजूद थी। तो ये लोग ड्रिंक्स करते हुए बातें करने लगते हैं, और फिर जल्द ही ग्लोरिया भी यहां आ जाती है। तो ये लोग साथ में लंच करने के बाद डांस करने लगते हैं। सरप्राइजिंगली ग्लोरिया अपनी मॉम का हाथ ओल्ड मैन के हाथ में थमा देती है, जो देखकर ओल्ड मैन काफी सरप्राइज था। ऑब्वियसली ग्लोरिया अपनी मॉम का टांका ओल्ड मैन के साथ बिठाना चाहती है, तो ग्लोरिया की मॉम उसे क्लियर कर देती है कि ग्लोरिया ने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा है, तो उससे एक फादर फिगर की कमी खला करती है। बेहतर होगा तुम मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि वो तुम में अपना पिता ढूंढने लगी है। जो बात जानकर ओल्ड मैन काफी सरप्राइज था। जिसके बाद विल्सन ग्लोरिया को लेकर उसके बाहर चला जाता है। ऑब्वियसली वो लेडी को यहाँ पर ड्रॉप करना चाहता है, मगर अब ग्लोरिया को एहसास हो चुका था कि जल्द ही ओल्ड मैन आइलैंड से जाने वाला है, तो वो ओल्ड मैन को गले लगाकर इमोशनल होने लगती है, क्योंकि वो ओल्ड मैन को पिता की नजर से देखने लगी थी। जब ओल्ड मैन को जाने देना नहीं चाहती है, तो ये सब देखकर ओल्ड मैन काफी अपसेट था, क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में रिश्ते बनाना नहीं चाहता है। तो वो खराब मूड से लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है, मगर अभी भी रायन उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो ये सब देखकर ओल्ड मैन की पूरी तरह से सनक जाती है, जो गाड़ी रोककर रायन पर भड़कने लगता है।
तो रायन ओल्ड मैन को एक लिफाफा देते हुए इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारे लिटिल लवर ग्लोरिया असल में वांटेड क्रिमिनल है जो ड्रग्स बेचने के चार्जेस में कई बार जेल जा चुकी है। यानी तुम्हें अपने टारगेट के साथ साथ ग्लोरिया को भी खत्म करना होगा। जो बात सुनकर ओल्ड मैन काफी अपसेट था क्योंकि अब उसे अपने ही हाथों से ग्लोरिया को मारना होगा। साथ ही रायन उसे अलर्ट कर देता है कि 2 दिनों में तुम्हारा टारगेट वापस लौटकर आने वाला है। तब तुम्हें टारगेट और उसकी वाइफ को ग्लोरिया के साथ खत्म करना होगा। अगर तुमसे ये काम ना होता है तो मुझे ही उन लोगों को मारना होगा। जो बस उनका ओल्ड मैन चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोजाना की तरह मैक्स दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तो ओल्ड मैन उसके पास आकर मौज मस्ती करने लगता है क्योंकि उसकी नजर में बच्चा उसके ग्रैंडसन जैसा था। तो मैक्स उसे इन्फॉर्म कर देता है कि कल ही हम लोग वापस जाने वाले। जो बात जानकर ओल्ड मैन काफी दुखी था। जिसके बाद अगले दिन से विल्सन ग्लोरिया पर नजर रखने लगता है। तो उसे पता चल जाता है कि ग्लोरिया अक्सर एक बड़े से घर जाया करती है जो कि इनफैक्ट विल्सन के पहले टारगेट का है। ऑब्वियसली विल्सन का टारगेट एक ड्रग डीलर था जिसके घर से ग्लोरिया ड्रग्स को सप्लाई किया करती है। तो ये सब जानकर ओल्ड मैन बहुत दुखी है। तो एक दिन ओल्ड मैन ग्लोरिया को लेकर बीच पर चला जाता है। ऑब्वियसली अब वो ग्लोरिया को ऊपर पहुंचाना चाहता है मगर अब तक उसे ग्लोरिया पसंद आ चुकी थी जो चाहकर भी ग्लोरिया को मार नहीं पाता है। वैसे ओल्ड मैन के पास ग्लोरिया का बैग मौजूद था तो वो उसके बैग से कैमरा निकालकर चेक करने लगता है। सरप्राइजिंगली कैमरे में ग्लोरिया और रायन के फोटोज मौजूद थे जो देखकर ओल्ड मैन को समझ आ जाता है कि रायन और ग्लोरिया फिजिकल रिलेशंस बना चुके हैं। जो बात जानकर ओल्ड मैन काफी दुखी था तो वो बिना ग्लोरिया को लिए यहाँ से जाने लगता है मगर उसके निकल पाने से पहले ही ग्लोरिया वापस आ जाती है जो ओल्ड मैन को जाते हुए देखकर काफी अपसेट थी। तो ओल्ड मैन सवाल करने लगता है कि तुम तो एक वांटेड क्रिमिनल हो ना। जो बस सुनकर ग्लोरिया कंफ्यूज होने का नाटक करने लगती है। तो ओल्ड मैन टॉन्ट करने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक ड्रग डीलर के लिए काम किया करती हो, साथ ही तुम ड्रग्स बेचने के चक्कर में कई बार जेल जा चुकी हो। यकीन मानो तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस को मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो बात जानकर लेडी बहुत दुखी थी जो ओल्ड मैन को खूब सारी गाली देकर यहाँ से चली जाती है। जो भी हो ग्लोरिया एक लड़की है जो ओल्ड मैन को अब तक अपना पिता मान चुकी थी। तो उसका बिट्रेल देखकर ग्लोरिया पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद ओल्ड मैन अपने होटल रूम लौट आता है जहाँ पर अब तक मैक्स की फैमिली वापस जा चुकी थी। तो ये सब देखकर ओल्ड मैन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अब वो उस दुनिया में पूरी तरह से अकेला था। तो वो फाइनली अपना मिशन पूरा करने का डिसाइड कर लेता है। जल्दी मिशन के टारगेट वैकेशन बनाकर घर लौट आते हैं मगर उनके घर पर ओल्ड मैन पहले से मौजूद था जो उनके यहाँ आते ही चांद से मार देता है। ऑब्वियसली अब ओल्ड मैन का मिशन पूरा हो चुका था और इसी समय ग्लोरिया अपने पार्टनर के साथ यहाँ आ जाती है। ऑब्वियसली अपने बॉस से ड्रग्स सप्लाई के लिए ड्रग्स लेना चाहती थी मगर अब तक उसका बॉस ऊपर पहुंच चुका था। तो अपने बॉस की डेड बॉडी देखकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही ओल्ड मैन उसे वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें अभी की अभी ये शहर छोड़ना होगा। जो बात सुनकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले रायन यहाँ आ जाता है जिसे देखकर ये लोग काफी कंफ्यूज थे मगर रायन बिना हेजिटेशन के ग्लोरिया को चांद से मार देता है। ऑब्वियसली उसे ग्लोरिया को मारने के लिए भेजा गया था। तो ग्लोरिया को मरता हुआ देखकर विल्सन बहुत दुखी है जो अब कैसे भी करके ग्लोरिया की मौत का बदला लेना चाहता है। तो वो रायन के पास जाकर उसे ऊपर पहुंचा देता है। साथ ही अब ओल्ड मैन पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं रही थी। तो वो रायन की डेड बॉडी लेकर समंदर के पास चला जाता है। ऑब्वियसली वो अमेरिकन स्टार के साथ पानी में डूब जाना चाहता है क्योंकि अब वो दोनों बूढ़े हो चुके थे जो अब जीना नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।